इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शिव सैनिकों ने अभिजीत लिमय के मुंह पर कालिख पोती है। आपको बता दें कि अभिजीत लिमय वही शख्स है जो लखोबा लोखंडे के नाम से एक फेक अकाउंट बनाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजीत पवार सहित कई नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे। अभिजीत फेक अकाउंट बनाकर ये आपत्तिजनक ट्वीट करते थे। सोशल मीडिया अकाउंट लखोबा लोखंडे का एडमिन ये अभिजीत लिमय बताए जा रहे हैं। अभिजीत लिमय की जमानत के बाद शिव सैनिक आक्रमक, कल ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभिजीत लिमय को गिरफ्तार किया गया था, आज कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई, अभिजीत लिमय को जमानत दे दी गई। जमानत के बाद ये हर्ष बताया जा रहा है कि अभिजीत लिमय भाजपा के आईटी सेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यही कारण है कि शिव सैनिक इतने ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, कल ही अभिजीत लिमय को गिरफ्तार किया गया था। लखोबा लोखंडे नाम का एक फेक अकाउंट अभिजीत लिमय ने बनाया था और उस फेक अकाउंट से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई शिव सैनिकों के नेताओं पर, महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया करते थे। उस टिप्पणी के बाद कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था, आज कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। जमानत कोर्ट के बाहर शिव सैनिक खड़े थे, शिव सैनिक राह देख रहे थे और राह देखने के बाद ये हर्ष मुंह पर कालिख पोत कर स्वागत किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिजीत लिमय, ये भी खबर सामने आ रही है कि अभिजीत लिमय भाजपा के आईटी सेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके कारण शिव सैनिक इतने आक्रामक। योजना